हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सभी सेफ एंड फाइन होंगे। आज मैं आपके साथ एक छोटा सा हॉल शेयर करने जा रही हूँ मामा अर्थ एंड डॉट एंड की का। इन पे ना अभी 10-15 दिन पहले बाय वन गेट वन का ऑफर चल रहा था, तो मैंने सोचा ये बेस्ट टाइम है अपने प्रोडक्ट्स को रीस्टॉक करने का और न्यू प्रोडक्ट्स को ट्राई करने का। मामा अर्थ से तो मैंने 4 प्रोडक्ट्स मंगवाए थे एंड डॉट एंड की से 2 प्रोडक्ट्स मंगवाए थे, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो जल्दी से अपना हॉल वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना मामा अर्थ के प्रोडक्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। मुझे ना इसका रोज़मेरी एंटी हेयर फॉल वाला रेंज ट्राई करने का काफ़ी ज़्यादा मन था, तो मैंने ना इसकी पूरी रेंज ही मंगवा ली है। फर्स्ट रोज़मेरी एंटी हेयर फॉल शैम्पू है विद मेथी दाना। इसकी पंप वाली पैकेजिंग है जो कि यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहती है, और ये क्लेम करता है कि ये आपके बालों का टूटना बंद कर देगा और ब्रेकेज से भी बचाएगा। अब ये अपने क्लेम को पूरा करता है या नहीं करता है ये तो मैं आपको 1 से 1.5 महीना इसे यूज़ करने के बाद ही बताऊँगी। एक डिटेल रिव्यू डालूँगी इसका, तब पता लगेगा। सेकेंड आइटम रोज़मेरी एंटी हेयर फॉल कंडीशनर है, और इसमें भी मेथी दाना यूज़ करा हुआ है शैम्पू की तरह। मेथी दाना आपके बालों में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और आपके बालों को टूटने से काफ़ी ज़्यादा हद तक कम करता है। और इसकी भी पैकेजिंग पंप वाली ही है, और इसका मैं अभी प्राइस वगैरह कुछ भी आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। जब मैं इसका एक डिटेल रिव्यू लेके आऊँगी ना, तो उस वीडियो में हम सारी चीज़ें इसकी कवर कर लेंगे। और ये भी यही क्लेम करता है कि यह आपके बालों का टूटना बंद कर देगा और ब्रेकेज से बचाएगा। अब देखते हैं जब इसे यूज़ करूँगी तब पता लगेगा ये क्लेम को पूरा करता है या नहीं करता है। थर्ड आइटम मामा अर्थ का रोज़मेरी हेयर ग्रोथ ऑयल है। इसमें भी बाकी दोनों आइटम्स की तरह मेथी दाना यूज़ करा हुआ है। और एक बात ना, आप हमेशा याद रखना कि जब भी आप अपने बालों के लिए कोई इंग्रेडिएंट ट्राई कर रहे हो ना, तो शैम्पू कंडीशनर एंड ऑयल सेम रेंज का ही होना चाहिए। इससे आपको रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा, इसलिए मैंने भी इसकी पूरी रेंज ही मंगवाई है। और ये क्लेम करता है कि आपके बालों को ग्रोथ प्रोवाइड करेगा, मींस शैम्पू और कंडीशनर आपके बालों का ब्रेकेज और हेयर फॉल रिड्यूस करेगा, और ऑयल आपके बालों को ग्रोथ प्रमोट करेगा। फोर्थ आइटम मामा अर्थ का एलोवेरा जेल है। वैसे तो मुझे इसे ट्राई करने का कोई भी मन नहीं था, पर क्या था ना कि मुझे 3 आइटम खरीदने के लिए 2 आइटम के पैसे देने पड़ते और 1 ही आइटम मुझे फ्री मिलता, तो मैंने सोचा कि बाय वन गेट वन का ऑफर चल रहा है तो एक काम करती हूँ, 1 आइटम और मंगा ही लेती हूँ। इससे मुझे 2 के पैसे देने पड़ेंगे और 2 मुझे फ्री मिल जाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट करने के बाद मैंने सोचा चलो यार इसका एलोवेरा जेल ही ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि पतंजलि के अलावा मैंने कोई एलोवेरा जेल ट्राई किया ही नहीं है। इसलिए मैंने सोचा इसको ट्राई करके देख लेते हैं, क्या पता अच्छा ही लगे। नेक्स्ट, मैंने डॉट एंड की से ओनली 2 आइटम्स ही मंगवाए थे, और ये दोनों के दोनों ही सनस्क्रीन हैं। और डॉट एंड की के सनस्क्रीन तो मेरे फेवरेट हैं, इनके अलावा मुझे कोई और सनस्क्रीन ना ही सूट करता है और ना ही मुझे पसंद आता है। इनके टेक्सचर, इनकी फ्रेग्रेंस, हर एक एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है हर एक चीज़ का। और फर्स्ट वाला सीका कामिंग सनस्क्रीन है, और इसके अंदर नायासिनामाइड भी मिला हुआ है, और ये मुझे काफ़ी टाइम से ट्राई करना था इसलिए मैंने इसको मंगवाया भी। मुझे अच्छा लगता है या नहीं लगता ये तो मुझे बाद में ही पता लगेगा इसको यूज़ करने के बाद। और नेक्स्ट वाला सनस्क्रीन वाटर मैनल वेरिएंट में, और इसकी तो मैंने एक डिटेल रिव्यू ऑलरेडी अपने चैनल पे डाली हुई है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको जाके आप एक बार ज़रूर से ट्राई करें। और ये मेरा ख़त्म हो गया था उसको, इसको मैंने रीस्टॉक करने के लिए मंगवाया था, और स्पेशली इसी के लिए मैंने वो सीका कामिंग वाला भी मंगवाया था ताकि ये वाला मुझे फ्री मिल जाए और बस उसके मेरे को पैसे देने पड़े। और बाय वन गेट वन में ना यही फ़ायदा होता है कि एक प्रोडक्ट खरीदो और एक के ही पैसे दो बस। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये हॉल कैसा लगा, और ये जितने भी 6 आइटम्स थे इन सभी 6 आइटम्स के मैं एक बार अच्छे से इनको यूज़ करके और एक डिटेल रिव्यू अपने चैनल पे ज़रूर दे दूँगी। और किसी और प्रोडक्ट्स का आपको अगर कोई डिटेल रिव्यू चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय गाइज़।